दोस्तों नमस्कार। आप भी अगर किसान हैं और पीएम सम्मान निधि को आपको 2000 रुपये की किस्त मिलती है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि जिनके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर हैं उनके लिए एक अपडेट आया है। दोस्तों अगर उन्होंने AKYC नहीं किया है तो जल्दी से उनको AKYC करना है, नहीं तो उनकी एक किस्त बंद हो जाएगी। अपडेट मैं आपको स्क्रीन पर बताऊंगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो अपडेट आप देखिएगा दोस्तों। कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश, प्रति कलेक्टर जिला समस्त मध्य प्रदेश, पीएम किसान योजना के हितग्राहियों हेतु EKYC के संबंध में। दोस्तों संदर्भ है अवर सचिव भारत सरकार किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पत्र दिनांक 6/12/2021 विषय अंतर्गत संलग्न संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के द्वारा पीएम किसान योजना के तहत हितग्राहियों के AKYC की कार्रवाई दिनांक 31/3/2022 तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। पीएम किसान योजना के हितग्राहियों को EKYC हेतु सुविधा पीएम किसान पोर्टल पर फार्मर कॉर्नर एवं पीएम किसान ऐप पर निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। इस सुविधा के माध्यम से आधार लिंक मोबाइल पर OTP के माध्यम से EKYC की कार्रवाई पूर्ण की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त CSC केंद्रों के माध्यम से भी EKYC की कार्रवाई हितग्राहियों द्वारा OTP बायोमेट्रिक से पूर्ण की जा सकती है। CSC केंद्र के माध्यम से EKYC की दर 15 रुपये नियत की गई है। अतः पीएम किसान हितग्राहियों हेतु EKYC कार्रवाई दिनांक 31/3/2022 तक पूर्ण करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी जिससे नियत दिनांक उपरांत हितग्राहियों को पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई ना हो। संलग्न दोस्तों श्रीमान शुक्ल आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश। दोस्तों अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जो नए किसान हैं और तो वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसकी एक साइट है, आप गूगल पर जाकर लिखें पीएम किसान, वहाँ पर आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, अपना नया रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं और अगर आपका अकाउंट नंबर गलत है तो आप वो भी सही से कर सकते हैं, लेकिन आपका मोबाइल नंबर है जो वो लिंक होना चाहिए आपके रजिस्ट्रेशन से, आपके आधार से भी लिंक होना चाहिए दोस्तों। और अगर आप इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है तो आप किसी भी MP ऑनलाइन पर जाकर 15 रुपये देकर EKYC कर सकते हैं। तो ज़रूरी है दोस्तों, वरना आपकी किस्त बंद हो सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।